तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द किंग्समैन मूवी के रिलीज किए गए न्यू स्पेशल लुक ट्रेलर की कुछ डिटेल्स के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि क्या इस मूवी के अंदर आपको हैरी हार्ट और एग्जी देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, या फिर वो आपको कौन से पार्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो बस फिर आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देख के जाना। वेल, अगर बात करें इस मूवी के स्पेशल लुक ट्रेलर के बारे में तो यहाँ से हमें कुछ डिटेल्स मालूम पड़ती हैं, जैसे कि इस मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, प्लॉट क्या होने वाला है, सेकंड इस मूवी के कास्ट मेंबर्स के बारे में एंड उनके रोल्स के बारे में कुछ डिटेल्स, एंड थर्ड इस मूवी के अपकमिंग सीक्वल्स के बारे में। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इस मूवी की स्टोरी सेट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एंड साथ में आपको इस मूवी के अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि एक सीक्रेट स्पाई एजेंसी बनी कैसे। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे राल्फ फिएनेस एज द ड्यूक ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि द लीडर ऑफ किंग्समैन, जो कि अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं हिस्ट्री के कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। एंड साथ में इस मूवी के स्पेशल लुक ट्रेलर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ कास्ट और क्रू मेंबर्स, जो कि आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस मूवी के अंदर फैंस क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग दिस मूवी रियली इज एन ओरिजिन स्टोरी, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ किंग्समैन फ्रेंचाइज, यानी कि किंग्समैन एजेंसी असल में बनी कैसे, ये मूवी आपको वो चीज दिखाती है। इट मींस द ओरिजिन ऑफ वेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसी द किंग्समैन। बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो सबसे पहले है राल्फ फिएनेस, नंबर 2 ग्रैमा आर्टिन, नंबर 3 रिस इफेंस, एंड अगर आप अपकमिंग हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के बड़े वाले फैन हो तो आपको इन्फॉर्म कर दूं कि रिस इफेंस उस सीरीज के अंदर ऑटो हाइटार का रोल प्ले करने वाले हैं, एंड इस सीरीज की स्टोरी क्या होने वाली है ये फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो के अंदर, चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 4 मैथ्यू गुड, नंबर 5 टॉम हॉलेंडर, नंबर 6 हैरिस डिकिंसन, नंबर 7 डैनियल ब्रूल, नंबर 8 डिमोन हॉन्सो, एंड देन चार्ल्स डेंसेस, एरॉन टेलर जॉनसन एंड स्टैनली टकी। तो ये तो हो गए कुछ कास्ट मेंबर्स के नाम, सवाल ये निकल के आता है कि क्या इस मूवी के अंदर आपको हैरी हार्ट और एग्जी देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो गाइस ये मूवी ओरिजिन है किंग्समैन एजेंसी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मूवी के अंदर आपको हैरी हार्ट और एग्जी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग बाद में आए थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने ये पहले ही कंफर्म कर दिया है कि उन दोनों की स्टोरी किंग्समैन 3 मूवी के बाद कंटिन्यू की जाएगी, ताकि फैंस को एक प्रॉपर कंक्लूजन मिल सके। एंड इसके बारे में डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने ये क्लियरली कहा है कि द फाइनल चैप्टर ऑफ देयर रिलेशनशिप नीड्स टू बी टोल्ड, विच वी गॉट रेडी टू डू, एंड आई एम होपिंग टू शूट दैट लेटर दिस ईयर और मे बी इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। एंड साथ में एग्जी ने भी कहा है कि आई एम नॉट इन द नेक्स्ट किंग्समैन मूवी, दिस डजंट मीन आई वोंट बी इन किंग्समैन एवर अगेन। तो गाइस यहां से आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, तो खैर ये मूवी आने वाली है इसी साल 22 दिसंबर 2021 को, एंड आप इसके लिए कितना वेट कर रहे हो तो कमेंट जरूर करना, एंड इस मूवी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर करना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।